दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क यानी मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। दोस्तों अब आपका सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला, अब आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े, समझ में नहीं आता क्या तैयारी करें, तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आपका 95% जरूर आएगा। अगर जो चीजें मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा उसे आप अगर कर लेते हो तब ठीक है। अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें 95% लाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ चार तरीका आपको आज की इस वीडियो में चार काम करने के लिए कहा जाएगा। अगर उस चार काम को अगर आप कर लेते हो ठीक है, बात समझ रहे हैं, अगर जो काम आज चार काम आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा उस चार काम को अगर आप कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूं 95% फिजिक्स में लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हैं, इन्हीं 30 दिनों में अपनी फिजिक्स की तैयारी पूरी कंप्लीट करना है, चाहे आप कुछ पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो ठीक है दोस्तों। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को आपको अंत तक देखना है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी। देखिए चलिए आज की इस वीडियो को बिना समय गवाते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि फिजिक्स का पेपर कैसे बनता है, कुछ दिमाग लगाना होगा, सिर्फ काम कर सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, अब आपको दिमाग लगाना ठीक है। सबसे पहला काम आपको करना है कि देखना है कि फिजिक्स जो है इसका पेपर कैसे बनता है, किन चीजों को मिलाकर इसका पेपर तैयार किया जाता है ठीक है। ठीक है 70 नंबर का फिजिक्स का पेपर होता है और 30 नंबर स्कूल से आपके दिए जाते हैं, टोटल 100 नंबर का ये पेपर आपका हो जाएगा ठीक है। अब इसमें क्या करना है ठीक है, देखिए 70 नंबर में सभी सब कुछ आपको करना है, 30 नंबर फ्री में स्कूल से मिलेंगे ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल मिलते हैं, समझ लीजिए फ्री में ही है ठीक है। देखिए 30 नंबर का आपका थ्योरी पूछा जाता है, थ्योरी का मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसमें कोई आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको लिखना रहेगा, याद करके लिखना रहेगा। उसके बाद देखिए डेरिवेशन यानी निगमन आपसे पूछा जाएगा जो कि 20 नंबर का होगा ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल और फार्मूला को मिलाकर यहां से भी 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब इन चीजों को आपको तैयार कैसे करना है ठीक है, बात समझ रहे, इन चीजों को तैयार कैसे करना है चलिए वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले काम क्या करना है, 20 से 50 रुपए वाली आप एक कॉपी खरीदिए, उस कॉपी में इन सभी को बारीकी से आपको लिखना है, बारी बारी से इन सभी को आपको लिखना है ठीक है। देखिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको थ्योरी कहा जाता है ठीक है, बात समझ रहे, थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे तो डेरिवेशन में बहुत दिक्कत होगी, डेरिवेशन नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत होगी ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, यानी अपनी थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। उनमें आपको करना क्या, अपनी नोट्स में क्या लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा उन्हें पढ़े समझे और अपने नोट्स में लिखते जाएं, जो ये 50 रुपए वाली आप नोट्स खरीदेंगे ठीक है। उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले उठाना, फिर जो उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें सबसे पहले लिखना, जो कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें भी आपको पढ़ना है ठीक है, ऐसा नहीं उनको छोड़ देना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है दोस्तों। 95% लाने के लिए सभी क्वेश्चन को आपको याद करना जरूरी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हो, ऐसा नहीं सभी क्वेश्चन का मतलब पूरी बुक ही रट डालिए, बुक रटने से काम नहीं चलने वाला, अब आपके पास समय नहीं है, जो सीखना था वो सीख चुके, अब आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर के लिए काम करना है ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थ्योरी आपको उसकी पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है और समझना है और याद करना है, जो कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी याद करना है। अब डेरिवेशन के लिए आपको क्या करना है, थ्योरी तो आपका क्लियर हो गया, इसे 30 नंबर आपके इस तरह से मिल जाएंगे अगर आप इस तरह से इसे पढ़ोगे ठीक है। अब डेरिवेशन के लिए क्या करना है उसे देख लीजिए। देखिए सबसे काम पहला सबसे दूसरा काम आपको क्या करना है, देखिए सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो निगमन होते हैं उनकी नोट उन्हें आपको नोट कर लेना है, उन्हें टिक लगा लेना है, फिर आपको क्या करना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट निगमन है उनको आपको अपनी नोट्स में लिखना है, उन पर ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर आपको उनकी प्रैक्टिस करते रहना है, बात समझ रहे हैं। उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है उनको भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं उन्हें छोड़ देना, उनकी भी आपको एक से दो बार प्रैक्टिस करना है, और जो
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके चांसेस ज्यादा है, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं, उनको क्या करना है, आपको उन पर आपको करना क्या है, बात देखिए ध्यान से समझना, ठीक है। जो ज्यादा बार आपसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे गॉस की प्रमेय हो गया, किरचॉफ का नियम हो गया, ये लगभग लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आपको क्या करना है, इसे आपको करना है, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। और एक काम करना है, इन पर जैसे मान लीजिए गॉस की प्रमेय का आप निगमन कर चुके, ऐसा नहीं सिर्फ एक बार आपको उसका निगमन करना, दो से तीन से चार बार उसका निगमन करो, ताकि एग्जामिनर आपके लिखने के अंदाज को लेकर खुश हो जाए और आपको फुल नंबर दे। देखिए फुल नंबर लेने के लिए आपको सबसे अच्छा लिखना होगा। उसके बाद देखिए तीसरा काम आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करें, क्योंकि दोस्तों न्यूमेरिकल रटने वाली चीज नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और जो एग्जांपल है उनकी भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए एग्जांपल क्या होता है, 99% क्वेश्चन जो होते हैं वह एग्जाम्पल से ही आपके उठाए जाते हैं, सिर्फ अंकों का फर्क होता है, बात मेरी समझ रहे हैं, सिर्फ जो अंक होते हैं उन्हीं अंक का फर्क होता है। जैसे कहीं पर आ गया अंक, आ गया 2.22.02 और वहां पर क्या रहेगा 232.05, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो सकता है, सिर्फ अंकों का फर्क होता है, नहीं तो पूछने का अंदाज बिल्कुल सेम ही होता है। एग्जांपल 99% क्वेश्चन आपके एग्जांपल से बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की भी आपको तैयार करना है, इन चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और चौथा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर चौथा काम अगर नहीं आप करोगे तो तीसरा काम भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझना। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सबसे पहले उन्हें याद कर लो, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला को आपको अपनी कॉपी में लिखना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट फार्मूला को लिखना, अगर आप एक तरफ से लिखते जाओगे तो आपके पास समय नहीं बचेगा उन्हें याद करने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप फोकस करो, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है, सिर्फ 30 दिन बचे हैं, 30 दिनों बाद आपकी बोर्ड परीक्षा होनी है, और उसी में आपके प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड भी एग्जाम भी है उसी में, तो आपको करना क्या है बाबू, अब आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़ना है, अब आपको सारी बुक रटने की जरूरत नहीं है। अगर सारी बुक आप रटोगे तो इसमें कम से कम 6 महीने का समय चाहिए, जो 6 महीने का समय था उसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तैयारी करिए, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन्हें याद कर लो, उन्हें याद करने के बाद आप उन्हीं पर न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर दो, ठीक है। तो जितना आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर आप इतना फॉलो करते हो तो मैं 99 नहीं बल्कि 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका अब की बार 95% फिजिक्स में लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों ये तरीका 2022 के छात्रों को मैंने बताया था और उनमें से अधिकतर छात्र 95% लेकर आए थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये तरीका आप भी आजमाइए, 2023 में आप भी 95% लेकर आइए। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।